विकी कौशल इन दिनों अपने आने वाली मूवी सैम बहादुर को लेकर के चर्चाओं में हैं, जहां ट्रेलर हाल में ही रिलीज किया गया। ऐसे में एक्टर मूवी का जमकर प्रमोशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी दिए और पर्सनल लाइफ को लेकर के भी कई राज खोले। विकी कौशल ने सैम बहादुर के प्रमोशन के दौरान आर्मी ऑफिसर से मुलाकात की। इस दौरान एक आर्मी ऑफिसर ने उनकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कैटरीना कैफ का नाम नहीं लेना होगा। इस सवाल को सुनते ही सबसे पहले तो विकी कौशल हंसते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पाजी, एक जवाब के चक्कर में घर में कलेश नहीं करूँगा, मुझे और कोई एक्ट्रेस दिखती ही नहीं है, मेरा एक ही है। मेरा मिशन भी बिल्कुल आर्मी की तरह है, जो मिशन है फिर वही है, केवल अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरीके से कैटरीना कैफ का नाम ना लेते हुए उन्होंने बता दिया कि आखिर उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है और सभी का दिल भी जीत लिया। फीमेल एक्ट्रेस के सवाल को लेकर के विकी ने जो जवाब दिया वो तो सभी ने सुना ही। इसके साथ मेल एक्टर का भी सवाल पूछा गया तो इस सवाल पर विकी कौशल ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम लिया और ये भी इच्छा जाहिर की कि वो एक दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते हैं। वेल, बात करें विकी कौशल के इस फिल्म में एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख लीड रोल में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में काफ़ी कुछ नया दिखने वाला है। बता दें ये फिल्म पर्दे पर 1 दिसंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा विकी फिल्म डंकी में भी नजर आएंगे। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी डंकी 22 दिसंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।